Hello viewers, welcome to MathTech. I am Amit Sharma. In this video, we are going to solve previous year question of linear algebra from CSIR NET Mathematics from the year 2011 to 2021. This is part 11 of the video. If you haven't seen the previous part, you can visit my channel or you can find link in the description box. The topic is matrices and its applications. So without a delay, let's start. Now question is, let M is a 3 cross 3 matrix having element 0, minus 1, 0, 1, 2, minus 1, 1, 1, 3. Given that 1 is an eigenvalue of M, which of the following statement is true? Option A, minus 2 is an eigenvalue of M. Option B, 3 is an eigenvalue of M. Option C, the eigenspace of each eigenvalue has dimension 1. Option D, M is diagonalizable. Now let us question mein kya kya information hai? M हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है जिसके ये एलिमेंट गिवन है हमारे पास और दूसरी इन्फॉर्मेशन है 1 इसकी एक आइगन वैल्यू है और हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या होगी ट्रू होगी। नाउ अब हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो हमारे पास टोटल 3 आइगन वैल्यू होनी चाहिए। इसमें इसने गिवन किया है कि हमारे पास एक आइगन वैल्यू 1 है। हमें ये पता है कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है वो ट्रेस के बराबर होता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ट्रेस ऑफ एम निकल रहा है वो कितना निकल रहा है हमारे पास 5 और एक आइगन वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। मतलब अगर हम एक 1 ले लें और बाकी दोनों आइगन वैल्यू लैम्डा 1 और लैम्डा 2 मान लें तो ये किसके बराबर होगा? 5 के बराबर। तो यहाँ से लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मुझे 4 मिल जाएगी। दूसरा हमारे पास क्या रिजल्ट है कि जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है वो डिटरमिनेंट के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है? 1 × λ1 × λ2 इसके डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये दो एलिमेंट 0 है तो आप सीधा इससे क्या कर लीजिए, एक्सपैंड कर लीजिए। सेकंड टर्म में नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव होता है प्लस बन जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ से 3 और माइनस माइनस हो गया प्लस तो बन गया 4। तो ये किसके बराबर आ रहा है? 4 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से मुझे मिला λ1 × λ2 4 के बराबर आ रहा है। तो हमारे पास सम ऑफ रूट भी है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी है। तो अगर आप यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे तो बनेगा t² माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट दिस इज इक्वल टू 0। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है? t − 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ से t की वैल्यू एक मिलेगी 2 और दूसरी क्या मिलेगी 2। मतलब बाकी दो आइगन वैल्यू मुझे 2 और 2 मिल रही हैं। अब देखो ऑप्शन में कहता है -2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ m और हमारे पास m की आइगन वैल्यू बन रही है 1, 2 और 2। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन कहता है 3 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ m बट हमारे पास कोई 3 आइगन वैल्यू नहीं है तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन में कहता है डायगोनलाइजेबल की बात करता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक आइगन वैल्यू 2 है जिसकी अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी मिल रही है? मुझे 2 मिल रही है। अगर इसकी ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी भी 2 हो गई तो क्या होगा? ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। तो हम इसका जीएम निकाल लेते हैं। तो अगर हमें जीएम ऑफ 2 निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस 2i। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एन हमें कितना है? 3 गिवन है तो यहाँ बन जाएगा 3 माइनस रैंक। किस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है हमें? इस मैट्रिक्स में से 2 को माइनस कर दीजिए डायगोनल में से। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास? ये −2 − 1 0। यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ से 2 माइनस किया तो बन गया आपके पास 0 − 1। ये बन गया आपके पास 1 1 और यहाँ पे 2 माइनस किया तो क्या बना आपके पास? ये बन गया आपके पास 1। नाउ इस मैट्रिक्स का आप रैंक निकाल लीजिए। रोएकलन फॉर्म से कन्वर्ट करके इसका रैंक निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। नाउ मैं क्या करता हूँ, इसमें से R1 पे और R2 को इंटरचेंज कर देता हूँ। तो जो मैट्रिक्स आपकी क्या बन जाएगी आपके पास? 1 0 − 1 − 2 − 1 0 1 1 1। अब आप क्या कर सकते हैं, R2 पे ऑपरेशन लगा दीजिए R2 + 2 × R1 और R3 पे ऑपरेशन लगा दीजिए R3 − R1। तो आपकी जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 1 0 − 1। इन दोनों को किया तो बन गया प्लस। यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया तो बन गया −2। इन दोनों को माइनस किया तो 0, इन दोनों को माइनस किया तो 1, इन दोनों को माइनस किया तो आपने क्या बना यहाँ पे? 2। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ये एक दूसरे के मल्टीपल बन रहे हैं तो R3 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं आप R3 + R2। तो जो आपकी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बन जाएगी? 1 0 − 1 0 − 1 − 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 0 0 0। तो हमें जो 2 पाइवट पोजीशन मिलेंगी तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक आया वो कितना आया? 2 आया। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यानी कि ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 कितनी मिली? 3 माइनस रैंक कितना मिला मुझे? 2। तो जो कि कितना है? 1। यानी कि ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी ऑफ तो 1 है बट अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती। बिकॉज डायगोनलाइजेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है? एम ऑफ जीएम हर एक आइगन वैल्यू का सेम होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ये कहता है कि आइगन स्पेस ऑफ ईच आइगन वैल्यू हैज डायमेंशन 1। ये एक डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो इसके लिए हमें एक ही
आइगन स्पेस मिलेगा, और यहाँ पर हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी है वो 1 मिल रही है। जो आइगन स्पेस होता है आइगन वैल्यू का, वो ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी के बराबर होता है, तो हमें यहाँ पर भी 1 मिल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी अ 4x4 मैट्रिक्स सच दैट -1, 1, 1, -2 आर इट्स आइगन वैल्यू। इफ बी इज इक्वल टू a^4 -5a² + 5i, देन ये i है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ट्रेस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -12, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 9। नाउ देखते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास। ए हमारे पास एक 4x4 की मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू ये गिवन है हमें -1, 1, 1 और -2, और बी एक मैट्रिक्स है जिस इससे डिफाइन कर रखी है a^4 -5a² + 5a। हमसे पूछ रहा है कि ट्रेस ऑफ a प्लस बी इसमें से क्या होगा। नाउ अब हमें पता है कि अगर लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है a की, तो इससे हमें पता चलता है कि जो लैम्डा की पावर n है वो किसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी, a^n की। तो अगर हम यहाँ से a^4 की आइगन वैल्यू निकालना चाहें तो क्या क्या मिलेंगी हमें, इसकी पावर 4 कर दीजिए, -1 की पावर 4, 1 की पावर 4, 1 की पावर 4, -2 की पावर 4। तो जिसकी आइगन वैल्यू बनी वो बनी 1, यहाँ से भी मिलेगी 1, यहाँ से भी 1, और ये कितना मिलेगा 60। सिमिलरली अगर आप a² की आइगन वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आपको क्या क्या आइगन वैल्यू मिलेगी, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये मिलेगा 1, 1, 1 और मिलेगा 4। और अगर आप 5 × a² की आइगन वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, हर एक आइगन वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिलेगा 5, 5, 5 और 20। सिमिलरली आइडेंटिटी की सारी आइगन वैल्यू 1 होती है, तो जो 5 × i की आइगन वैल्यू होंगी वो सारी कैसे हो जाएंगी, 5, 5, 5 और 5। नाउ इस एक्सप्रेशन की सारी आइगन वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या बनेगी, a^4 -5a² + 5i की जितनी भी आइगन वैल्यू कैसी होंगी, यहाँ से मिला मुझे 1, यहाँ से मुझे मिला 5 और यहाँ से मुझे मिला 5। फर्स्ट के हिसाब से देखें तो बना 1 -5 और + 5, ये एक आइगन वैल्यू बनेगी। दूसरे हिसाब से क्या बनेगा हमारे पास, 1 -5 + 5। तीसरे के हिसाब से क्या बनेगा हमारे पास, 1 -5 + 5। और लास्ट के हिसाब से क्या बनेगा हमारे पास, 16 - 20 + 5। तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू मिलेंगे, उससे कैलकुलेट कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी आइगन वैल्यू बनेगी हमारे पास 1, यहाँ से मिलेगी हमें 1, यहाँ से मिलेगी 1, और अगर अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 21 और ये भी मिलेगी मुझे 1। और हमसे पूछ रहा है कि ट्रेस बताना है हमारे को ए प्लस बी का, तो जो बी की आइगन वैल्यू है ये किसके इक्वल है हमारे पास, बी के, तो बी की जो आइगन वैल्यू मिली 1, 1, 1, 1। अब हमसे पूछ रहा है ए और बी की आइगन वैल्यू क्यों होंगी, तो ए प्लस बी की कंप्लीट आइगन वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्या मिलेगी, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो -1 और ये 1 प्लस होके बनेगा 0, ये 1 और ये 1 होके मिलेगा हमें 2, ये 1 और ये 1 होके मिलेगा हमें 2, और ये -2 और ये 1 होके मिलेगा हमें -1। नाउ ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, अगर आप इन सबका सम करेंगे तो मुझे मिलेगा 0 + 2 + 2 - 1, जो कि होगा 3, यानी कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी 3 के बराबर आएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, स्टेटमेंट नंबर 1, देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स एन बिलोंग्स टू M4R सच दैट सेट कंटेनिंग 1, 1, 1 - 1, 1 - 1, 1, 1 इज अ बेसिस ऑफ रो ऑफ एन, एंड 1, 2, 1, 4 बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ एन। स्टेटमेंट 2, देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स एम बिलोंग्स टू M4R सच दैट 1, 1, 1, 0 ट्रांसपोज, 1, 0, 1, 1 ट्रांसपोज इज अ बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ एम, एंड 1, 1, 1 ट्रांसपोज, 1, 0, 1, 0 ट्रांसपोज बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ एम। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन बी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ऑप्शन डी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नाउ देखते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास टोटल 2 स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और स्टेटमेंट 1 में कहता है कि हमारे पास ये हमें बताना है कि क्या एक n M4R में से कोई एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जिसके ये दोनों कैसे होंगे, रो स्पेस होंगे, बेसिस हैं रो स्पेस के, और ये नल स्पेस को बिलोंग करेगा। दूसरे में कहता है कि हमारे पास एक m मैट्रिक्स आएगी M4R में से सच दैट ये जो हैं ये बेसिस हैं किसके, कॉलम स्पेस के, और ये दोनों वैक्टर किस में बिलोंग करते हैं, नल स्पेस ऑफ m में बिलोंग करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, या दोनों स्टेटमेंट सही है, या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, या कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है और कोई एक स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। नाउ अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से मैट्रिक्स लिखूं तो ये दोनों बेसिस हैं, तो अगर आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये फर्स्ट रो में बनेगा आपके पास 1, 1, 1 और -1, सेकेंड रो में बनेगा 1, -1, 1 और 1,
और थर्ड और फोर्थ जो रो भी बनेगी वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगी, क्योंकि इसके बेसिस रो स्पेस में सिर्फ दो ही वेक्टर की बने। और ये पूछ रहा है कि ये 1, 2, 1, 4 है नल स्पेस में, अगर ये इसके नल स्पेस में है तो अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, 0, 0, 0, 0 मिलना चाहिए। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल रहा है 1 + 2 + 1 - 4, ये सेटिस्फाई कर रहा है, 0 मिल रहा है। सेकेंड को करके देखते हैं, 1 - 2 + 1 + 4, अगर आप अब इसको देखेंगे तो ये 0 के इक्वल नहीं मिल रहा है, मतलब ये वेक्टर जो है वो इसके नल स्पेस में नहीं आ सकता। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। तो अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो जहाँ जाए कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, वो ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू यहाँ कह रहा है तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू आर ट्रू कह रहा है तो ये भी आपका क्या हुआ, गलत हो गया। अब हम सेकेंड को भी ट्राई करके देखते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों जो वैक्टर हैं ये किसमें कह था, ये इनके कॉलम स्पेस में, मतलब अब अगर मैं इससे मैट्रिक्स लिखूँ तो मुझे इसे कॉलम में लिखना पड़ेगा 1, 1, 1, 0, और दूसरे को भी क्या लिखना पड़ेगा 1, 0, 1, 1, और बाकी जो थर्ड और फोर्थ कॉलम है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जाएगा। और ये जो दोनों वेक्टर हैं ये क्या हैं, इसके नल स्पेस में, जैसे मैंने फर्स्ट में किया सेम यहाँ पर भी कर सकते हैं, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर 1, 1, 1, 1 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 0, 0, 0, 0 मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से करेंगे तो, बट अब मेरे पास यहाँ पर कॉलम में नहीं है तो मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता, तो आप क्या कर सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं यहाँ पर कोई भी। अगर आप इसे एक्स वेक्टर मानते हैं और इसे वाई मानते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन ले लीजिए, तो यहाँ बनेगा आपके पास एक्स प्लस वाई, यहाँ रह जाएगा खाली एक्स, ये फिर से बन जाएगा आपका एक्स प्लस वाई और ये बनेगा खाली वाई। एक बार आप इसको कोई और मान लीजिए, कोई और वेक्टर ले लीजिए, से जेड और टी ले लेते हैं, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में बनेगा जेड प्लस टी, यहाँ रह जाएगा खाली जेड, यहाँ फिर बनेगा जेड प्लस टी और यहाँ बन जाएगा आपके पास टी। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके देखिए क्या इक्वेशन बनती है। अगर आप फर्स्ट को करेंगे तो मुझे मिलेगा 1 + 1 + x + y + z + t, जो कि किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। दूसरी इक्वेशन अगर आप बनाना चाहेंगे, सेकेंड रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1 + x + z = 0 बन जाएगा। थर्ड से करेंगे तो बनेगा आपके पास 1 + 1 + x + y + z + t = 0, ये तो दोनों सेम हो गए तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ वाले को अगर करेंगे तो मुझे मिलेगा 1 + y + t = 0। तो अगर आप x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, x प्लस जेड है 1 और x प्लस जेड हो जाएगा -1, तो x प्लस जेड -1 और z y प्लस टी माइनस, तो ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसी क्वेश्चन की भी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन यहाँ से मुझे ये मिल जाएगी। सिमिलरली अभी आप इस 1, 1 की जगह दूसरा वेक्टर ले लीजिए, ये वाला 1, 0, 1, 0, मतलब अभी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 1, 0, 1, 0 से मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स को। देखो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, अगर आप फर्स्ट को करेंगे तो मुझे मिलेगा 1, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 और यहाँ से मुझे मिलेगा क्या, x + y = 0। अब सेकेंड को करिए इससे तो ये हो गया आपका 1, 0 को किया यहाँ से 0, यहाँ से कितना आ गया x, तो 1 + x की वैल्यू आ गई 0, तो x मुझे यहाँ से कितना मिल गया, -1 मिल गया, राइट। अगर x यहाँ से -1 मिल जाएगा तो यहाँ से y मुझे कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा, तो मुझे x भी मिल गया और y भी मिल गया। नाउ अब थर्ड वाले को करें अगर हम इससे मल्टीप्लाई तो मुझे क्या मिलेगा, 1, ये हो गया 0, यहाँ से आ गया आपके पास फिर से x + y = 0, ये रिपीट होगी मेरे पास। लास्ट वाला कर लेते हैं, ये आपके पास 0, ये आपके पास 0, यहाँ से मुझे y की वैल्यू कितनी मिल गई, 0, y मुझे ऑलरेडी 0 पहले ही मिल गया था, तो x मिला मुझे -1 और y मुझे मिला 0। तो अगर मुझे x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ इस वाले पार्ट में -1, तो मुझे यहाँ से z भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ 0 तो t मुझे क्या मिल जाएगा, -1। तो मुझे वेक्टर मिल रहे हैं, मतलब ये मैट्रिक्स मेरी क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अगर ये ऑप्शन ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट ए एंड बी बी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस, सपोज दैट सम ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो इज 2 एंड सम ऑफ एलिमेंट इन एनी कॉलम ऑफ बी इज 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नेसेसरी सिंगुलर। ऑप्शन ए i - 1/2 BA ट्रांसपोज, ऑप्शन बी i - 1/2 AB, ऑप्शन सी i - 1/4 AB, ऑप्शन डी i - 1/4 BA ट्रांसपोज। नाउ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास ए एंड बी दो एन क्रॉस एन मैट्रिसेस हैं, पर ये कह रहा है कि जो सम ऑफ एलिमेंट ऑफ है रो ए के, हर एक रो के एलिमेंट का जो सम है रो का, वो कितना है, 2 है।
सिमिलरली सेकेंड फॉर्मेशन है हमारे पास सम ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी कॉलम ऑफ बी, मतलब बी के हर एक कॉलम का अगर हम सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और हमसे पूछ रहा है कि इनमें से चारों में से कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। सिंगुलर का मतलब क्या है, उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी एक आइगन वैल्यू कैसी मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। ना इसके लिए आप एक रिजल्ट याद कर सकते हैं, अगर ए मेरे पास एक एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और इसकी हर एक रो का जो सम है वो से ले के बराबर आ रहा है, तो इसकी एक आइगन वैल्यू, ए की आइगन वैल्यू ए क्या बन जाएगी, के बन जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टेटमेंट में कह रहा है कि ए की रो का सम किसके बराबर है, 2 है, तो इसका मतलब 2 क्या बन गया, आइगन वैल्यू ऑफ ए, ए की एक आइगन वैल्यू क्या है, 2 है। सिमिलरली ये रिजल्ट कॉलम पे भी अप्लाई होता है, अगर ए के कॉलम का सम, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में सभी कॉलम का सम किसी नंबर के बराबर है से K1, तो इस मैट्रिक्स की भी जो एक आइगन वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, K1 बनेगी। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि बी के हर एक कॉलम का सम कितना है, 2 है, इसका मतलब जो 2 है वो क्या बन जाएगी, आइगन वैल्यू बन जाएगी किसकी, बी की। नाउ अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ए का ट्रांसपोज कर दूं, इस मैट्रिक्स का क्या कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं, तो जो रो का सम था वो कॉलम के सम के बराबर हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो 2 है वो आइगन वैल्यू हो जाएगी किसकी, ए के ट्रांसपोज की। नाउ एक और रिजल्ट है मेरे पास, ए की सभी रो का सम K1 के बराबर है, बी की सभी रो का सम K2 के बराबर है, तो अगर आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इनकी सभी रो का सम K1 × K2 के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से B × A ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी सभी रो का सम किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। अगर बी ए ट्रांसपोज की हर एक रो का सम 4 के बराबर है तो इसे क्या मिलेगा, 4 जो है वो क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू हो जाएगी किसकी, B × A ट्रांसपोज की। नाउ अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो 1/4 × 4 अगर मैं करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 1, तो 1 क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू हो जाएगी किसकी, 1/4 × BA ट्रांसपोज की, मतलब इसकी एक आइगन वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है। और मैं पता है आइडेंटिटी के पास भी आइगन वैल्यू कितनी होती है, 1, तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसकी एक आइगन वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब इस मैट्रिक्स के पास एक आइगन वैल्यू 0 है, मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0, तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like the content, please do like, share and subscribe my channel. If you have any query, comment me. Thank you very much.